फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैट टू ऑसम। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, यहां पे मैं आज आपको एक डाइट प्लान शेयर कर रही हूं जिससे आपका वेट बहुत ही इजी और जल्दी ही घटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले रात में क्या करना है, एक टेबल स्पून मेथी लेके उसे पानी में रख देना है, यानी कि भिगो देना है। और ये जो मेथी की रेसिपी है ये मेरी खुद की नहीं है, ये डॉक्टर शालिनी की है। तो थैंक्स फॉर डॉक्टर शालिनी। तो ये मैं उन्हीं का ही आपको बता रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी बेनिफिट रही है मेरी भी हेल्थ के लिए। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी इसके बारे में बताऊँ। तो आपको ये रात में भिगो के रख देना है एक टेबल स्पून, और उसके बाद आपको अपनी मॉर्निंग ड्रिंक की तैयारी करनी है। तो आपको एक ग्लास वाटर लेना है, और एक ग्लास वाटर में आपको एक टेबल स्पून अजवाइन डालनी है। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि अजवाइन हमारे मेटाबॉलिक रेट को बहुत अच्छे से हाई रखती है और आपको पूरे दिन एनर्जेटिक भी बना के रखेगी। तो ये ड्रिंक आपको रात में ही बनाना है क्योंकि अगर मॉर्निंग में बनाएंगे तो इसे ठंडा होते होते काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आपको ये मॉर्निंग एक टेबल स्पून अजवाइन डाल के इसे बहुत अच्छे से बॉयल करना है जिससे कि अजवाइन के सारे एक्सट्रैक्ट इस वाटर में आ जाएँ। और ये जब बहुत अच्छे से बॉयल हो जाए तो आप इसे ऐसे ही ढक के मॉर्निंग के लिए रख दें। फ्रेंड्स, इसके बाद अब हमारा न्यू डे स्टार्ट होता है। तो न्यू डे हम अपना मॉर्निंग ड्रिंक से स्टार्ट करेंगे जो आपको पूरे दिन फ्रेश और एनर्जेटिक रखेगी, आपका मेटाबॉलिक रेट भी हाई रखेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मेथी दाना लेना है। जितना मेथी दाना आपका मॉर्निंग में फूल के हो उसके तीन पार्ट आपको करने हैं, और उसमें से एक पार्ट आपको मेथी दाना लेना है भीगा हुआ। और हल्का सा गर्म आपको अजवाइन वाटर लेना है, हल्का सा गरम यानी कि लूप मॉक वाटर आपको लेना है। आप जो भी मेडिसिन लेते हो खाली पेट, जैसे कि मैं थायराइड की टैबलेट लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं साथ में थायराइड की टैबलेट लूँगी और 6-7 काली मिर्च के दाने यानी कि ब्लैक पेपर। तो आपको ये सारा अपना मॉर्निंग ड्रिंक में लेना है। इसके बाद इस मॉर्निंग ड्रिंक के आधे घंटे बाद आपको अपना ब्रेकफास्ट लेना है। आप जो भी ब्रेकफास्ट लेना चाहो, तो मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे रही हूँ कि मैं यहाँ पे वेजिटेबल दलिया ले रही हूँ आज मॉर्निंग में। और आप इसे ले सकते हैं, वेजिटेबल दलिया ले सकते हैं, दूध दलिया ले सकते हैं, बट उसमें आपको शुगर नहीं डालना है। आप स्वीटनर के लिए अनार के दाने डाल लीजिए या कोई और फ्रूट्स डाल लीजिए जिससे कि वो मीठी हो जाए। जब आपका ब्रेकफास्ट हो जाए उसके एक घंटे बाद आपको एक कप ग्रीन टी लेनी है। जिससे कि आपने जो भी ब्रेकफास्ट में खाया है, आपको जो भी कैलोरी उससे मिली है, वो बहुत अच्छे से ये ग्रीन टी बर्न कर सके। तो आफ्टर ब्रेकफास्ट आपको एक कप ग्रीन टी लेनी है 1 आवर के बाद। फ्रेंड्स, अब हम लंच में, लंच के जब भी आपको लंच खाना हो उसके आधे घंटे पहले आपको जो तीन पार्ट हमने मेथी दाने के किए थे उसका एक पार्ट आपको वो लेना है। और ये ऑप्शनल है बट इससे बहुत अच्छा आपका वेट लॉस होगा। आप पतंजलि की मधुहर बटी एक टैबलेट लेंगे लंच से पहले, आधे घंटे पहले। ये दो चीज़ें आपको लंच से आधे घंटे पहले लेनी है। फ्रेंड्स, इसके बाद अब हमारा लंच स्टार्ट होगा। लंच में हम राइस को अवॉइड करके और कुछ भी लेंगे। मैं यहाँ पे एक कटोरी तुअर दाल यानी कि अरहर दाल ले रही हूँ, एक कटोरी कर्ड ले रही हूँ। कुछ भी उसमें फ्लेवर नहीं है, शुगर नहीं है। आप चाहें तो आप उसका रायता भी बना सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे करेले की सब्जी ले रही हूँ, बहुत लेस ऑयल में जो बनी है, और दो रोटी ले रही हूँ। तो ये मेरा लंच हो गया है। आप लंच में कुछ भी चाहें खाना चाहें बट राइस को अवॉइड करिएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं खाना खाने के 10 मिनट बाद ये अपना जो मैंने इसकी आपकी रेसिपी भी शेयर की थी, वेट लॉस चूर्ण जो है ये, और ये थायराइड पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है जो आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छे से हाई करेगा। और आपने जो भी लंच किया हुआ है वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और उसकी कैलोरी भी ख़त्म हो जाएंगी। तो आपको ये लेना है। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फ्रेंड्स, इसके बाद अब मैं यहाँ पर अपनी इवनिंग टी शेयर कर रही हूँ। तो इवनिंग टी में आपको एक
कप टी लेनी है, 4-5 आपको बादाम लेने हैं और मखाने लेने हैं, तो आप फ्री हो के इवनिंग टी पीजिए। फ्रेंड्स, ये जो मेरा डाइट प्लान है, ये बहुत ऐसा डाइट प्लान है कि आप खा खा के अपना वजन कम करिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई भी डाइटिंग बता रही हूँ कि आप मत खाइए या ना खाइए। मेरा डाइट प्लान ऐसा है कि आप खा खा के अपना वजन कम करिए। इसके बाद फ्रेंड्स, अब आती है डिनर की बारी। डिनर में आप सबको पता है कि आप लाइट ही लें, तो यहाँ पे मैं टमाटो सूप लूँगी। टमाटो सूप में आप कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, प्लेन टमाटो सूप ले सकते हैं, तो आप वो लीजिए। और इसके बाद फ्रेंड्स, बेड जब बिफोर बेड आपको चिया सीड ड्रिंक ले सकते हैं, जो मैंने रेसिपी डाली उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसके बाद आपको चूर्ण लेना है, ये आप चाहें तो ग्रीन टी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूँगी, जो आपके वेट लॉस में बहुत अच्छे से आपकी हेल्प करेगी, आपका ट्रैक करेगी कि आपने दिन में क्या लिया है, आपका BMI चेक करके बताएगी कि आपको कितने ओवरवेट हो या आपने आपको दिन में कितनी कैलोरी लेनी है, आपको कितना पानी लेना है, ये सब ट्रैक करेगी। तो आप लोग ज़रूर इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके इसका लाभ उठाइए। इस ये बहुत अच्छे से आपको ट्रैकिंग करेगी, आपको हैंडल करेगी कि आपको दिन में क्या खाना है, कितनी कैलोरी खानी है, आज आपने ज़्यादा कैलोरी ली है कि कम कैलोरी ली है, या आपका टारगेट क्या है कि आप कितने दिन में, आपको रिमाइंडर्स देगी। अगर आप चाहें तो आप इस पर अपना डाइट प्लान भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।